गाइस वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल, दिस इज सपना चौधरी। तो अभी हम कर रहे हैं रील शूट, मैं और अंशु मेरी रील शूट कर रही है। और आज मैंने बहुत सारे आउटफिट पहने हैं, बहुत ही प्यारे वाले हैं। अंशु बहुत मेहनत करती है मेरे साथ। तो रील शूट हो गई है, अभी हम जा रहे हैं नीचे। अभी मैं आ जाती हूँ अपने वही देसी लुक में। बहुत बढ़िया, इनको रख दे सबको, मैं मैक्सी पहनूंगी। इतनी अच्छी के बाद मैक्सी पहनूंगी, अब मैं मैक्सी पहनूंगी। इनसे मुझे बहुत आलस आ रहा है, ये सब निकाल रही हूँ मैं। अभी मैं सिंपल लुक में अपनी सपना बन जाती हूँ। अभी बहुत सारी रील शूट होगी, बहुत मजा आया। सपना चौधरी 8521 प्लीज मैं मेंशन कर दूंगी मेरी, और अब चेक करना रील्स पे रील्स डालिया। हाथ दो ये वापस। तो अभी हम आ गए अपने भेस में लुक में, जो भी बोलो भेस बोलो कुछ भी बोलो। और मैंने बहुत सारा काम फैला लिया, देखो इतने सारे कपड़े मुझे कड़ी करने, पहले खाना बनाए क्योंकि 8 बज गए हैं। आ जाओ यार, इसको ले आओ। अरे इसको छोड़ दो पीछे, नहीं जाएगी। हाँ अरे शट अप बोल देना, बहुत पहले बोल शट अप, गंदी चीज है नहीं सीखो। चलो तो सॉरी, पिट जाओगी वरना, मुझे पता थी। सॉरी बोल रही है, इतनी प्यारी बच्ची कब से हो गई तू है। ओ इतनी प्यारी, लो तुम लोग। अच्छा मन कर दे, ओ सॉरी, गंदी बात, प्यारी बात, प्यारी सॉरी बोल दो बात। हाथ ले टाई पर बेटा, तू ही लगाएगी यूं करे चेंज। चल बंद करो, थोड़ी चेंज कर रही है वो। मेरी अंशु चौधरी 517। प्लीज तो प्लीज मेरे को भी फॉलो करना, मुझे भी करो, थोड़ा गरीब इंसान को बेचारे को। मेरा टारगेट है 1 लाख। मेरा टारगेट है 10,000 की तरफ, मेरे उतने हो जाए वो बहुत है, फिर उसके बाद मेरी डिमांड बढ़ जाएगी थोड़ी। आटा नहीं मुझे लगता नहीं है। हेलो आटा, आप देख सकते हैं हर जगह मम्मी के बर्तन डले हुए हैं। देखो वो दो बर्तन, वो दो, एक भगवानी है, ये क्या, ये कचरा, ये चट्टान। हाँ ये आंटी साफ कर गई है, हमारी आंटी सही हो गई। उनका ऑपरेशन हुआ था, पर अब ऑपरेशन नहीं था, पहले ऑपरेशन की बात हो रही थी, पर उनका ऑपरेशन नहीं था, नॉर्मली कुछ मतलब ट्रीटमेंट हुआ था उनका, ऑपरेशन ही बोल सकते हैं उसको। अच्छा अच्छा, ट्रीटमेंट हुआ था उनका कुछ, इसीलिए वो आई नहीं थी। अभी वो बिल्कुल सही है, तो अभी आते हैं। पहले जो हमें दादी बता रही थी ना, तो वो बोल रही थी ऑपरेशन होगा। हाँ पर वो जो उनकी प्रॉब्लम थी ना, तो वो बिना ऑपरेशन के हो गई। डॉक्टर क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑपरेट वाली बात करते हैं कि नहीं ऑपरेशन, तो उनकी जो प्रॉब्लम थी वैसे ही ट्रीटमेंट से सही हो गई थी। तो अच्छा है ना, बढ़िया, वरना आंटी को ज्यादा टाइम लगता रिकवरी में। अच्छा है, बाय बाय एवरीवन। लग गया हमारा खाना, बता रहे हैं आज कुछ खास नहीं बनाया, हेल्दी चीजें। भैया जल्दी आ गए, आज भैया करा रहे हैं, गैस बंद जा रहा बस। आलू। एक चीज और हमने हमारे कबाड़े में एक चीज और ऐड कर दी, आलू का झूला बीच में बिल्कुल। हाँ तो झूलती है तो ऐसे ये पूरे में वो खराब हो रखा है। भैया आपका पेट तो बाहर निकला जा, आज मम्मी कह रहे
टायर आपका तो बड़ा टायर नहीं, आपका बलून है, टायर थोड़ी है। मैं क्वेश्चंस टिक कर देता हूँ, 4 लिख देना, 5, 6, 5, 6 लिख देना, ये वाला लिख देना। हाँ ज्यादा नहीं है यार, मैंने 4 क्वेश्चन और बचे थे पूरे चैप्टर के, मैं आप पे क्यों लिखवा रही हूँ? तो मत लिखो, 1 घंटा खाया है आपने मेरा। ऐसे कैसे चले, ये मेरी रील शूट करी इसीलिए ये अपना होमवर्क करवा रही है। अरे बताए देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो रहने दे फिर, लिख दो। हाँ तो रहन दो फिर, हाँ तो रहन दो फिर। आप भाभी प्लीज वो थोड़ा उचका उचका के मत लिखना। नहीं आपके वर्ड्स उचकते हैं बहुत ज्यादा। हाँ ये मेरी हैंडराइटिंग है, बढ़िया ही है, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। क्या कितनी गंदी हो इसकी हैंडराइटिंग है। नहीं मेरी नहीं, आप भाभी कह रही है उचका उचका के मत लिखना, मेरी बहुत प्यारी है। अच्छा ठीक है चलो दिखाना। हाँ पेन रुको मैं आपको देता हूँ, ये वाला लो, ये अच्छा है। अरे ये बहुत अच्छे चलते हैं, मैं भी पहले वही वाले यूज करती थी। हाँ एक ही था, मैं पहले ब्लैक से करना ही नहीं है, आंसर लिखना है ना, इसलिए मैं तूने कर दिया इस, नहीं इसलिए मैं कह रहा था कि मैं फिनिश कर दूं उसको। रुक जाओ आप, मुझे कहाँ से करना है? रुको पेज नंबर निकालने, तो अपने घुमा दिया वो, ये रहा यहाँ पे। मैं कहता हूँ इसलिए इनसे चश्मा लगाया करो, इसलिए बोलती हूँ चश्मा लगाया करो, पर नहीं मानेंगी ये कभी, जब तक इनकी आंखों की रोशनी ना जाएगी ना तब तक ये नहीं मानने वाली। थैंक यू, थैंक यू। लिखो अब मैं लिखूंगा, मेरा क्वेश्चन होगा फर्स्ट, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ लिबरल्स। इनका क्वेश्चन तो मैं लिख ही चुका हूँ, अब लिखने के बाद दिखाऊंगी हैंडराइटिंग, अभी हाँ, अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। हमारी बेगम साहिबा लेट के लिख रही है मेरे, पहले मैं लिखता था ऐसे लेट के बैठ के, फिर पेट में। हाँ तो ये मैं नहीं बोला था पहले। अरे बस देखो मेरी हैंडराइटिंग कैसी है बताना प्लीज कमेंट करके। ये ग्रीटिंग कार्ड्स में बहुत प्यारी लगती है ये हैंडराइटिंग। ये मेरी है। हाँ और ये मेरी है कंप्यूटर जैसी हैंडराइटिंग, वो उठा कंप्यूटर। ये मेरी कंप्यूटर, देखो मेरी ये कंप्यूटर जैसी हैंडराइटिंग नहीं, वैसे अच्छी है। हाँ नहीं भाभी के जो तो जो कर्सिव लेटर्स होते हैं ना भाभी, उनको थोड़ा वो कैलीग्राफी में ले जाती हैं, तो इसलिए वो मुझे थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं। हाँ इसको मेरे को उसी की याद, मतलब कर्सिव लेटर्स मैं भी लिखती हूँ। हाँ नहीं अभी तो नॉर्मल वर्ड्स लिखे हैं, मतलब पहले ना आप कैलीग्राफी लिखती थी, इसलिए जो मैं पढ़ी हूँ ना मैं वही लिखती थी। हाँ मेरी हैंडराइटिंग सबको बहुत पसंद आती थी, बहुत, क्योंकि वो कैलीग्राफी तो यार आती है सबको, वो बहुत अच्छी लगती है दिखने में, समझ भी आ जाती है। हाँ थोड़ा सा वो पढ़ने में थोड़ी देर लगती है ना उसको, इसलिए हाँ कि मतलब जल्दी से रीड हो जाए बस। हाँ। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है कि मैं बस एक बार देख लूँ तो आ जाता है। तेरी मेरे को कुछ शब्द देखने पड़ते हैं। हाँ कुछ शब्द मैं, क्योंकि वो बिना हिलाए को, हाँ सबको आदत रहती है अपने की, इसी वजह से सबको अपनी अच्छी लगती है, भले वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर आपकी तो सच में अच्छी है। थैंक यू, नहीं मेरी स्पीड भी अच्छी थी, अब तो लुल हो गई। कोई बात नहीं, बाय बाय एवरीवन एंड गुड नाइट, लव यू ऑल, सेम पिंच मेरी तरफ से। भाई आ गए, क्या है जी ये होमवर्क? ये आपके लिए मैं खत लिख रही हूँ। लिखे जो कत तुझे खत सोएंगे कब हम बेबी? अभी 9 बजे हैं। आज मैं अपने दिल की कथा पूरी बुक में लिख डालूंगी। वाले कमरे में सो जाओ। बाय बाय भैया, मजा आ जाएगा आप चले गए तो सच में। बाय बाय, आज मैं और भाभी एंजॉय करेंगे। मेरा पति मुझसे रुसवा, ये क्या क्या शब्द लाती हो यार, कुछ भी बोलती हो। बाय बेबी। हाँ कपड़ा भी छाती। ओह माय गॉड, वैसे अपन दोनों ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसमें कैसे बात कर रही हूँ, चुप हो जाओ यार। ऐसी नेचुरली ऐसे क्या सही बोला, हमें ज्यादा शो ऑफ करना नहीं आता, करते भी तो बहुत बुरे लगते हैं। सही बोला, करते हैं तो खुद थक जाते, कहते हैं यार क्या इससे बढ़िया कपड़ा लगने का, क्या यार इससे बढ़िया तो नॉर्मल कपड़ा, मस्त रहते हैं पूरे दिन कंफर्टेबल। बहुत काम करने हैं मुझे, बहुत काम भी तो, मेरा वर्क करना है, भाभी को कपड़े करने हैं, फिर मेरे साथ एंजॉय करेंगी भाभी। हम सोते हैं रोज 10 तो कभी नहीं सोते, 10 तो भी साढ़े 9
मैं तो 11:30 बजे से पहले नहीं सोती, मैं 10:30 बजे से पहले नहीं सोता। भैया देखते हैं बिग बॉस, वो 10 बजे खत्म हो, 11 बजे खत्म होता है, उसके बाद मैं सोने की कोशिश करती हूँ, मेरा सिर फटता है बुरे तरीके से। मैं 10:30 बजे से पहले नहीं सोता। अभी मेरे 2-3 दिन से क्या हो रहा है, इस जगह पे जलन हो रही है बहुत। हाँ। उसकी वजह से मुझे नींद आने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों? और वैसे भी प्रेगनेंसी में नींद पता है बहुत फ्लैश प्रॉब्लम आती है। नींद में उसने फ्लैश ऑन कर रखी है, उठा के देखो फोन। बाय, चलो बाय बाय एवरीवन। एवरीवन, तो ये हमें रिसीव हुए हैं 3 कुर्तियां, एक शॉर्ट कुर्ती है, एक ये येलो वाली है, एंड एक जो पिंक है मैंने वेयर कर रखी है, बाकी येलो में मैंने रील्स भी डाली है। तो ये रिसीव हुई है हमें द चिकन करी स्टोर से, आप वहां पे चेकआउट करें, बहुत प्यारा कलेक्शन है और हमें तो ये कुर्ती बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, और आप भी वहां से बाय कर सकते हो। बाय बाय।